एफिलिएट मार्केटिंग की मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था बड़े ब्रांड के साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे इम्पैक्ट रेडियस में अकाउंट क्रिएट करके। सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि आप बैंक डिटेल्स कैसे डालेंगे और बड़े ब्रांड्स को आप अप्लाई कैसे करेंगे। और थर्ड पार्ट में मैंने आपको ये बताना था कि आप ब्रांड्स को कैसे प्रमोट करेंगे। पर आपने जो बैंक अकाउंट्स, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो सेकंड पार्ट में जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स डालने वाली ऑप्शन थी उसके अंदर ऑथेंटिकेटर ऐप ऐड करना था, जिसकी वजह से 48 से 72 आवर्स तक का वेट करना था। और उसके बाद आपको एक ही ईमेल आएगा जिसमें आपको W8 इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। जब तक आप ये W8 इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट फॉर्म फिल नहीं करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आप अपनी बैंक डिटेल्स नहीं डाल पाएंगे और आप इम्पैक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग की जो अर्निंग है अपने बैंक पे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको यही सब कुछ बताने वाला हूँ। उसके लिए आपने अपने इम्पैक्ट के डैशबोर्ड में लॉग इन करना है और सबसे ऊपर राइट साइड में आपको ये एक W8 इलेक्ट्रॉनिक टैक्स डॉक्यूमेंट की ऑप्शन मिल रही है। नीचे आपको एक लिंक दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको तीन फॉर्म मिल रहे हैं। अगर आपने अपने बिजनेस को इंडिविजुअल ऐड करो और आप इंडिया में रहते हैं तो सेकंड वाले फॉर्म को आप सिलेक्ट करें, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, पूरा ब्लैंक आएगा तो घबराना मत, थोड़ी देर आप इंतजार करना। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्म मिल रहा है। आप देखेंगे जैसे ही मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। जो चीज रिक्वायर्ड है आपने उसी को ही फिल करना है, जो ऑप्शनल है आप उसे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम देंगे, प्लस यहाँ पे आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। मैंने इंडिया को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस देना है, यहाँ पे आप सिटी डालेंगे, फिर से आपने यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करना है। और जो चीज़ ऑप्शनल है जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे ये फॉरेन टैक्स नंबर मांग रहा है, यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड डालेंगे, इधर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सबसे नीचे करके आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। फॉर्म को ध्यान से पहले आप रीड करें, उसके बाद आप उसे फिल करें, क्योंकि सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ है फ्रेंड्स वहाँ पे मंथ डालना है, फिर उसके बाद आपने डेट डालनी है और ईयर डालना है। ठीक वैसे ही जहाँ पे आप स्टेट डालेंगे तो उसके साथ आपको पिन कोड भी ऐड करना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने की वजह से मैंने ये सारी चीज़ें हाइड कर दी है, पर आपको ध्यान से रीड करके सब कुछ फिल करना है। और जैसे ही यहाँ पे आप लास्ट में अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जिससे आपका साइन ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करने लग जाएगा। यहाँ पे आपने टिक भी करना है, रिक्वायर्ड है तो इसलिए आप इसे टिक करें। और ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। कम से कम 3 to 4 days लगेंगे इसको वेरीफाई होने में। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप एक दिन और इंतजार करें, नहीं तो आप एक टिकट जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे नीचे राइट साइड में क्वेश्चन मार्क बना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको टिकट्स की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे राइट साइड टॉप में लिखा है क्रिएट टिकट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना सब्जेक्ट देना है, यहाँ से आप इशू टाइप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालने के बाद आप इसको क्रिएट कर देंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लेंगे तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सेफ साइट के लिए इसका स्क्रीनशॉट मैंने अभी ले लिया। अभी तो आपने सिर्फ W8 इलेक्ट्रॉनिक टैक्स के फॉर्म को फिल करा है, अभी इसके अंदर बैंक डिटेल्स ऐड करनी भी जरूरी है। उसके लिए आपने राइट साइड टॉप में जो बैलेंस 0 दिख रहा है एरो के ऊपर क्लिक करना है। बैलेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है, मैंने इंडिया को सिलेक्ट करा। अभी मेरा फॉर्म रिव्यू में है तो इसलिए मुझे कह रहा है कि आपकी पेमेंट थोड़ी डिले होगी। अब यहाँ पे 760 rupees ये चार्ज करेगा, जिससे डॉलर में आपके बैंक के अंदर पैसे इंडियन करेंसी में ट्रांसफर होंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपकी यहाँ पे 1000 rupees की इनकम हुई और आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो 760 तो उसमें इनका चार्ज कट जाएगा, तो आपके पास 250 rupees भी नहीं होंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पे आपके नाम से बैंक अकाउंट है, आप अपना नाम डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और सबसे नीचे लिखा है IFSC कोड। ये आपकी चेकबुक में भी लिखा होगा या तो फिर आप अपने ऐप के अंदर जाके भी देख सकते हैं। उसके बाद ऑटो पे में 2 options मिल रही है, आपका मिनिमम कितना बैलेंस होना चाहिए जब आपको विड्रॉल मिले, तो यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है मिनिमम 1280 में से तो 716 की फीस कट जाएगी, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा थोड़ा हमेशा ज़्यादा करें, जिससे कि अगर 760 rupees भी कट रहे तो एटलीस्ट आपके बैंक में कुछ अमाउंट तो ज़रूर आए। अगर आप चाहते हैं कि हर महीने की फर्स्ट को मेरे बैंक में पैसा आए तो यहाँ से वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप 15 भी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को आपने यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर कोड नहीं आ रहा तो रीसेंट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके बैंक की सारी डिटेल्स शो कर रहा है और एक बार मैं आपको ब्रांड्स में जाके दिखा देता हूँ कि मुझे कहाँ से और अप्रूवल मिला है। माई ब्रांड्स के ऊपर मैंने क्लिक करा, आप देखेंगे मुझे 3 ब्रांड से अप्रूवल मिल चुका है। अगर इम्पैक्ट की कोई और अपडेट नहीं आई तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इन ब्रांड्स को कैसे प्रमोट करेंगे जिससे आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग स्टार्ट हो जाए।